नमस्कार दोस्तों, न्यूजीलैंड 11 वर्सेस इंडिया। न्यूजीलैंड 11 की हुई है 235 पर ढेर। भारतीय तेज गेंदबाजों ने चटकाए हैं 9 विकेट। दोस्तों उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन आप इंडियन टीम को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय टीम फिलहाल न्यूजीलैंड 11 के विरुद्ध 3 दिवसीय अभ्यास टेस्ट खेलने में व्यस्त है। इस मैच में भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम पूरे दिन का खेल भी नहीं खेल पाई और 263 रनों पर ढेर हो गई थी। भारत की तरफ से पहली पारी में चेतेश्वर पुजारा और हनुमा विहारी के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन न्यूजीलैंड 11 की पहली पारी के दौरान भारतीय तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन बहुत ही जबरदस्त रहा। भारतीय तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड 11 की टीम 235 रन पर ढेर हो गई और इसी के साथ ही भारतीय टीम को 28 रनों की बढ़त मिल गई है। भारत की तरफ से शमी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए तो मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव और नवदीप सैनी इन चारों गेंदबाजों ने मिलकर कुल 9 विकेट चटकाए। अश्विन 1 विकेट निकालने में कामयाब रहे। इस तरह न्यूजीलैंड की पूरी टीम 235 रन पर ढेर हो गई। बता दें कि जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव और नवदीप सैनी 2-2 विकेट लिए। इंग्लैंड की तरफ हेनरी कूपर ने सबसे ज्यादा 40 रन की पारी खेली तो वही कप्तान डेरेन मिचेल ने 32 रन बना सके। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फरवरी से टेस्ट सीरीज खेली जाने वाली है। यह टेस्ट सीरीज में विश्व टेस्ट चैंपियन का हिस्सा होगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।